तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्रोनी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। बच्चों को मैक्रोनी और पास्ता खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन वो हरी सब्जियाँ खाने से दूर भागते हैं। तो अगर आपको बच्चों को हरी सब्जी खिलानी है तो सब्जियों को बारीक काटे और उसके बाद इस प्रोसेस से बना के उन्हें खिलाए, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें इतनी सारी सब्जी ऐड की है और वो सारी प्लेट चट कर जाएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इंडियन स्टाइल मैक्रोनी बनाने के लिए गैस ऑन करके एक पैन में 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे ये फ्रेंच बीन्स लिया है, गाजर लिया है, प्याज, टमाटर और 2 हरी मिर्च लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च न यूज़ करें। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें पहले हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च को थोड़ा सा तेल में पका लें। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को इसमें स्किप कर सकते हैं, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च के साथ बनाएं। फिर मैंने इसमें ये प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के साथ इसमें बीन्स और गाजर भी डाल दें, क्योंकि इन तीनों का पकने का जो समय है वो एक ही है, तो तीनों साथ में डाल दें। टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे, टमाटर को हमें बाद में डालना है। तो यहाँ पर इन सब्जियों को ऐसे मिला देंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप ये मैक्रोनी पास्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्जियों को जितना बारीक काटेंगे, बच्चों को खाते वक्त एकदम ही समझ में नहीं आएगा कि वो इतनी सारी सब्जी खा चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है मैंने। टमाटर आप चाहिए तो 1 की जगह 2 भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटर इसमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया मैंने। अब हम टमाटर को भी 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, या फिर इसे तब तक पकाएं जब तक कि टमाटर पूरी अच्छी तरह गल नहीं जाए। तो आप चाहे तो पैन को कवर कर दें या फिर बिना कवर के पकाएं। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, सब्जी अभी हमारी पक गई है। तो बस इससे ज़्यादा हमें सब्जियों को नहीं पकाना है। तो अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मेयोनीज डाल देंगे। मेयोनीज से मैक्रोनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे ये मेयोनीज डाल दिया मैंने। मेयोनीज डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो केचप। तो जितना आपने मेयोनीज यूज़ किया है ना, उतना ही टमाटो केचप यूज़ करें। तो 2 बड़े चम्मच मेयोनीज और 2 बड़े चम्मच मैंने टमाटो केचप डाला है। इन दोनों को मिला दें। बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें उबले हुए मैक्रोनी। तो मैक्रोनी को मैंने पहले से उबाल के रखा है। इसे उबालने का प्रोसेस तो आपको पता है, इसलिए मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है। तो यहाँ पे ये उबला हुआ मैक्रोनी डाल दें। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक डालते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि मेयोनीज़ में नमक रहता है, प्लस हम इसमें चीज़ भी ऐड करने वाले हैं तो चीज़ में भी नमक रहता है, तो इस वजह से नमक का इस्तेमाल यहाँ पर कम करें। मिला दें इन सबको अच्छे से, और जैसे ही सब्जी सॉस जो है वो मैक्रोनी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, लो फ्लेम पे हम इसे आधे मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे चाहिए तो पैन को आप कवर कर दें। आधे मिनट बाद हम इसे वापस एक बार मिक्स करेंगे और ये हमारा सुपर टेस्टी मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा है और इसमें कुछ भी झंझट नहीं है, बहुत ही कम मेहनत है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर देंगे। तो जितना चीज़ आपको पसंद है उस हिसाब से डालें। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो चीज़ को स्किप कर सकते हैं, चीज़ इसमें ऑप्शनल है। अगर आपके पास चीज़ क्यूब नहीं है तो आप चीज़ स्लाइस के भी छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ को अच्छे से मिला दें। अगर आपने मैक्रोनी को पहले से उबाल के रखा है तो इस रेसिपी को बनाने में मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेंगे। तो ये हमारी मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्रोनी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। बच्चों को मैक्रोनी और पास्ता खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन वो हरी सब्जियाँ खाने से दूर भागते हैं। तो अगर आपको बच्चों को हरी सब्जी खिलानी है तो सब्जियों को बारीक काटे और उसके बाद इस प्रोसेस से बना के उन्हें खिलाए, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें इतनी सारी सब्जी ऐड की है और वो सारी प्लेट चट कर जाएंगे। तो ये हमारी मज़ेदार मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर देते हैं। तो आप इस सुपर टेस्टी डिलीशियस मैक्रोनी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये डिश आपको और आपके बच्चों को दोनों को बहुत पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।